सोशल मीडिया पर वायरल हुए सांप को गोली से मारने वाले वीडियो की फॉरेस्ट विभाग द्वारा पड़ताल करने के बाद पंचायत सनाही के गांव बरियाल के बीर सिंह पुत्र सुडू राम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने से गांव वाले मुखर हो गए हैं, जिसको लेकर गांव वालों ने उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जिसको लेकर एक बार फिर से गाँव वालों द्वारा हमीरपुर उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर बीर सिंह पर दर्ज की गई एफआईआर को वापस लेने की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा एफआईआर को वापस नहीं लिया गया तो वे पूरे भारत में हल्ला बोल आंदोलन शुरू करेंगे। गांव भरियाल के इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गांव भरियाल में एक विशाल जहरीला सांप निकला था, जहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि सांप ने परिवार की एक छोटी बच्ची पर झपटने की कोशिश की, जिस पर बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद वहां पर काफी संख्या में गांव वाले इकट्ठा हो गए और बच्ची को अपनी ओर खींचकर बचा लिया, जिसके बाद लोगों के आग्रह करने पर बीर सिंह ने जहरीले सांप को गोली से मार दिया। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अपने बचाव में सांप को मारा है। इंद्रजीत सिंह ने वन विभाग से एफआईआर को वापस लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या का कोई हल नहीं किया गया तो वे इस समस्या को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। समस्या क्या है कि हमारे गांव में एक नजदीकी एक बड़ा सांप जहरीला निकला हुआ और वहां पर कोई इसी सुविधा मारने के लिए नहीं थी और सब उसको देख कर डर गए और आसे पासे खेत में लगे उसे मकई काटने के लिए और उन्हें जोर से शोर मचाया और शोर उसके बाद बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई है और बरामदे में एक बड़ा सांप बैठा था और लड़की ने उसे जब्त मारी। जब बच्ची चलाई तो उनके बुजुर्ग जो माँ बाप दादा दादी दौड़े और बड़ी मुश्किल झक से उसको लड़की को खींचा और उन्होंने आवाज मारी, ये डंडों से मारने वाला एक जहरीला सांप नहीं है, किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। उन्होंने शोर मचाया और उन्होंने एक नजदीक 400-500 मीटर दूरी पर एक बुलाया और उन्होंने गोली मरवाई और जब मारा और उसको मारते नहीं पानी क्या कर देता है और उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, उन्हें बच्ची बचाई है। और ये जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज एक्ट के हिसाब से केस दर्ज किया उसको वापस लिया जाए। ये वो तो हम धरना देंगे, हम मुख्यमंत्री पास जाएंगे, मुख्यमंत्री भी नहीं जाएगा, हम डायरेक्ट मोदी के साथ बात करेंगे। हमारे इलाके में ये हो रहा है, हमारी कोई सुना नहीं है, उन्होंने बच्ची बचाई है, कोई गुनाह नहीं किया है, 7-8 साल की बच्ची बचाई है उन्होंने, बच्ची जो है सारे हिंदुस्तान की है, लड़की अनमोल धन है। ये सब नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब ये दुनिया में एक शान है, बेटी जो है एक हिंदुस्तान की शान है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, बच्ची बचाई गुनाह नहीं किया है। गांव भरियाल के दीपक कटोच ने बताया कि भरियाल गांव के निवासियों द्वारा शनिवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था और मांग की गई थी कि बीर सिंह पर की गई एफआईआर को वापस लेकर उन्हें इस केस से खारिज किया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार बीर सिंह को इस केस से खारिज करे, अन्यथा उनके द्वारा हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया जाएगा। जहरीले सांप वाली वायरल जो वीडियो हुई है उसके समक्ष में हमारे गांव के वीर सिंह नाम के ऊपर केस बनाया गया है प्रशासन द्वारा। तो हम शनिवार को प्रशासन से मिले, पुलिस अधीक्षक साहब से, डीएफओ साहब से और एसी साहब से, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाया जाएगा, पर हमें भी ऊपर से प्रेशर है अपने अधिकारियों का, तो हमें तो बोले एफआईआर बनाना पड़ेगी, तो हमने वो केस बना दिया है। अभी इसका फैसला जो बात सरकार करेगी, बात कोई अपराध नहीं है, तो जनता ने सरकार को इसलिए चुना है कि जनता को अच्छा कानून मिले। इधर तो उसे भी पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने नहीं देखी इस वीडियो को, नहीं देखा उन्होंने पूरे इंडिया में फैली ये वायरल हुई है वीडियो, उन्होंने क्यों नहीं जनता के पास आके पूछा कि यहाँ पर जनता को क्या परेशानी है। यही है कि ये जो बीर सिंह के ऊपर जो केस बनाया गया है इस केस को खारिज किया जाए। हम ये चाहते हैं कि अकेला उनके ऊपर केस नहीं है, ये पूरी जनता के ऊपर केस है। तो उन्होंने ये जो बाहर हमारे सामने बकरे काटे जा रहे हैं, मच्छी काटे जा रही है, मुर्गे काटे जा रहे हैं, रेत सूर काटे जा रहे हैं, ये नहीं अपराध, ये हमारे सामने हो रहा है, ये अपराध नहीं है। अगर हमने किसी जानवर इंसान की जान बचाई वो अपराध है, और ये जो हमारे प्रशासन के सामने सरकार के सामने बकरे काटे जा रहे हैं, मच्छी काटे जा रहे हैं, मुर्गे काटे जा रहे हैं, ये अपराध नहीं है ना। अपराध ये कि एक
इंसान ने इंसान की जान बचाई। बहुत करते हैं कि अगर ये केस खारिज ना किया गया तो जनता सड़कों के ऊपर उतरेगी। मैं हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं भी इस केस को खारिज किया जाए, नहीं तो हम हल्ला बोल आंदोलन पूरे भारतवर्ष में करेंगे। और मैं जनता से भी आग्रह करता हूँ कि जनता पूरी इकट्ठे होकर हमारा इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें भी कल को किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। तो मैं अपने मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम ठाकुर जी से मांग करता हूँ कि इस मुद्दे को इस मामले को अपने समक्ष बुलाया जाए और देखा जाए और जनता को निष्पक्ष फैसला सुनाया जाए। रीता देवी ने कहा कि गांव में एक जहरीला सांप निकला था जिसने एक छोटी सी बच्ची पर झपटने की कोशिश की थी, लेकिन उसे लोगों द्वारा बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि गांव में दहशत फैल चुकी, जिसके बाद गांव वालों के कहने पर ही बीर सिंह ने जहरीले सांप को गोली से मारा था। उन्होंने कहा कि जब से प्रशासन द्वारा उन पर FIR दर्ज की गई है, तब से वे मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने वन विभाग से आग्रह करते हुए कहा कि FIR को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि बीर सिंह ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, उन्होंने लोगों के बचाव में सांप को मारा है। ये हमारे गांव में एक स्नेक सांप निकला था बहुत बड़ा, मगर हमें नहीं पता था वो सांप था या कोबरा था या सुराल थी। ठीक है, तो हमने जो मार दिया उसको मारा, तो हमने तो सांप की वजह से मारा कि सांप है, और उसने लड़की के ऊपर अटैक किया था, हमारी बच्ची के ऊपर, 8 साल की बच्ची है, तो उसके तो उसके दादा ने छुड़ा लिया, मगर सारे गाँव इकट्ठा हो गए, दहशत फैल गई, तो उसी की वजह से उसको मारना पड़ा। अभी जो सरकार बोल रही है कि उसको मार दिया, उसके ऊपर जो उन्होंने केस चला दिया है, ठीक है, तो हम तो ये चाहते हैं जिनके ऊपर केस चलाया गया है वो पूरे गांव के कहने पर उन्होंने मारा था उसको। वो घर में अकेले रहते हैं, उनके बच्चियां हैं, जो उनकी शादी हो गई है वो अपने घर में रहती हैं, तो उनको 2 बुजुर्ग हैं जो हरासमेंट हो रहे हैं इस वक्त सब पूरे। और अभी यहाँ सब पूरी सरकार से यही हमारी गुजारिश है कि जो ये केस चला रहे हैं उसको खारिज किया जाए, और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, पूरे गांव को बचाया है उस सांप से, ठीक है, तो उन्होंने उस लड़की को बचाया है, और अनमोल धन है जो देश बचाओ देश का है, शान है। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि जो ये केस चलाया गया है उसको साथ में बढ़ चढ़ के साथ दें हमारा, अगर सरकार से यही गुजारिश है हमारी। वहीं भरियाल गांव के सुरेंद्र कुमार ने कहा कि सांप को गोली से मारने वाले वायरल वीडियो को लेकर वन विभाग द्वारा बीर सिंह पर FIR दर्ज की गई है, उसे वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों के बचाव के लिए बीर सिंह ने जहरीले सांप को गोली से मारा था। समस्या यही है कि वीडियो जो वायरल हो रही है सांप के बारे में जो वीडियो वायरल हुई है उसके बारे में हमारी समस्या, हम DC साहब से मिलने जा खारिज करवाने के लिए हम जा रहे हैं। सर मांग क्या आपकी? हमारी मांग ये है कि इस केस जो केस है लगाया हुआ अकेला वीर सिंह के ऊपर जो लगाया हुआ, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने 8 साल की बच्ची बचाई है, लड़की बचाई है, अगर वो उसको नहीं मारती तो और भी ज़्यादा नुकसान कर सकती है, पूरे देश की शान है, पूरे देश की शान है, लड़की लड़की हमारा धन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।